अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे कि चाइनीज़ करेक्टर्स को, जो चाइनीज़ लैंग्वेज के जो करेक्टर्स हैं उनको किस तरह हम जो है वो राइट करते हैं, किस तरह उनको लिख सकते हैं और उनको लिखने के लिए हमें जो है वो क्या चीज़ रिक्वायर होती है। चाइनीज़ करेक्टर्स को लिखने के लिए हमें जो है वो चंद बेसिक चाइनीज़ स्ट्रोक्स होते हैं उनको सीखना पड़ता है। चाइनीज़ लैंग्वेज के जितने करेक्टर्स हैं उन सबको जो है वो लिख सकते हैं। इस लेक्चर के बाद जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि हम चंद जो हैं वो बेसिक चाइनीज़ करेक्टर्स उनको हम लिख सकें, और दूसरा जो है वो हम इस करेक्ट जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है उसको लिखने के लिए, राइटिंग के लिए और उसकी जो है वो रीडिंग के लिए, मतलब बोलने के लिए और लिखने के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं। जो चाइनीज़ राइटिंग होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है हैन्यू। हैन्यू जो है वो राइटिंग चाइनीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके जो है वो अल्टरनेट अगर हम बोलने की बात कर रहे हों, स्पीकिंग चाइनीज़ की बात कर रहे हों, तो उसके लिए हम जो है वो चोंगवन का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ हम जो है वो हैंज चाइनीज़ जो करेक्टर्स हैं उनको हम लिखने का आज जो है वो हम देखेंगे, और जो है टोटल 8 जो है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रोक्स हैं जो कि चाइनीज़ करेक्टर को जो है वो लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। जितने भी जो है कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो चाइनीज़ करेक्टर है वो भी इन 8 जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं उन पे जो है वो बेस कर रहा होता है, उसके जो है वो बुनियाद पे जो है वो बना होता है। हम जो है वो आज के लेक्चर के बाद जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुछ करेक्टर्स जो है वो हम लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रोक्स में ये जो फर्स्ट स्ट्रोक है ये जो राइट साइड से जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, और ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम जो है खन, इसको हम कहते हैं खन। एच जो है वो चाइनीज़ के अंदर जो एच होता है उसको वो प्रोनाउंस करता है, वो उसको वो आवाज़ देता है खे की। और चाइनीज़ के अंदर ये जो जी होता है, जी किसी भी करेक्टर के एंड पे जो जी आता है इसकी नो साउंड, इसकी कोई साउंड नहीं होती, ये जो है वो साइलेंट होता है। और ये मतलब जब अदा प्रोनाउंस करेंगे, हम अदा करेंगे तो ये इतना वर्ड होगा, जी इसमें जो है वो यूज़ नहीं होगा। तो इसको हम खन खन, यहाँ पे जो है सेकंड टोन लगी हुई, तो ये खन खन जो है वो हॉरिजेंटल लाइन है जो कि फर्स्ट स्ट्रोक करेक्टर है। सेकंड जो है वो एक वर्टिकल लाइन है जो कि ऊपर से नीचे आ रही है, इसको हम कहते हैं शू शू। ये जो है वो फोर्थ स्ट्रोक जो है वो टोन यहाँ पे नज़र आ रही है, जो है वो 5 से 1 पे आती है शू। ये जो है वो सेकंड स्ट्रोक हो गया। थर्ड स्ट्रोक ये राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ नीचे से और ऊपर जा रहा है, इसको फीए पी जो है ये चाइनीज़ के अंदर ये फे फे जो है वो उसको की आवाज़ देता है, तो ये फीए फीए ये जो है वो इसकी आवाज़ होगी। ये जो है ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ नीचे से ऊपर जो है ये करेक्टर जा रहा है। फिर जो है वो ना ना, यहाँ पे जो है 4 टोन है, ये जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, इसको हम ना कहते हैं। जो 5th है वो तीन, ठीक है, यहाँ पे जो है वो डी है और डी जो होती है वो जो है वो ते की आवाज़ देती है, तो ये बन गया तीन तीन, ठीक है तीन। तो ये जो है वो हमारा 5वां करेक्टर हो गया। तो अब ये हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो है कि इस पर हम अब प्रैक्टिस करें कि ये तीन है, ये खन है, ये शू है, ये जो है फीए है, ये ना है, और ये आगे जो है वो कंपाउंड करेक्टर्स हम जो है वो आगे पढ़ेंगे, और ये तीन आ रहा है, ये जो है ना वो हमारे आगे करेक्टर्स हैं। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना उस पर जो है वो एक्सेल लेंगे। अब फर्स्ट हमारा ये कुछ करेक्टर्स हैं, हमने इनके साथ इनको लिंक करना है, तो फी ए फर्स्ट जो है वो आ रहा है, तो फी ए हमारा क्या है, हमारा जो फी ए है वो नीचे से ऊपर जो लाइन जा रही है इसको हम जो है वो फी ए कहते हैं। ये जो है वो ये हमारा फी ए स्ट्रोक हो गया। अब तीन किया है, तीन जो है वो सेंटर के अंदर छोटी सी जो लाइन होती है जो ऊपर से नीचे आ रही है, छोटी सी लाइन, ठीक है, ये इसके में फ़र्क ये है कि ये बिल्कुल छोटी सी लाइन है और सेंटर में है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन ये जो है वो थोड़ी ऊपर से आ रही है, तो इस दोनों के अंदर जो स्ट्रोक्स के अंदर जो है वो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। तो ये तीन जो है ये वाला हमारा होगा, ठीक है, 5th, ठीक है। फिर हंग खन, खन जो है खन हमारा ये वाला फर्स्ट वाला जो करेक्टर नज़र आ रहा है ये हमारा खन करेक्टर है, और उसके बाद जो है वो ना है, ना हमारा ये वाला जो करेक्टर है ये हमारा जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसको हम जो है वो ना कहते हैं। और लास्ट वन जो हमारा शू है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर से नीचे है, वर्टिकल जो है वो लाइन है, इसको हम शू कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस के लिए मुझे ये बताइएगा ये क्या है, ये आपको जो आपने जो 5 पढ़े हैं उसके अंदर ये वाला क्या है,
ज़रा सोचिएगा ये क्या बन गया, खन, क्या है, खन, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा जो है फर्स्ट करेक्टर जो है वो खन है। सेकंड जो है ये क्या है ऊपर से जो नीचे आ रहा है, शू, शू, बिल्कुल ये हमारा जो है वो शू करेक्टर है। ये वाला हमारा जो है ये जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है ये क्या है, ये है हमारा, सोचें क्या है वाला, ये है ना, ना, ठीक है, ये हमारा ना फोर टोन के साथ जो है वो ना है। और ये हमारा जो नीचे से ऊपर जो है वो जा रहा है ये हमारा क्या है, ये है फीए, फीए। और लास्ट वन ये क्या है, ये हमारा जो है ये तीन, तीन, तीन। तो ये हमारा प्रैक्टिस से होगा, मतलब जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब जो है उतना जो है वो हमारा ये चीज़ें क्लियर होंगी और इतना हमारे लिए जो है इसको रिकॉग्नाइज करना आसान होगा। तो ये पांच बेसिक कैरेक्टर अभी हमने जो है वो देखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद कंपाउंड स्ट्रोक्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो कि इन पांच जो जो स्ट्रोक्स हैं इनका जो है वो कम्बिनेशन होंगे। अब हम उनको जो है वो देखते हैं, जैसे कि ये देखें, ये हमारा हम पढ़ चुके हैं कि ये खन, ये है खन, और ये उसके साथ एक इजाफी सा जो है जो स्ट्रोक लग गया, तो अब ये बन गया खन च, खन च, खन च, जेड एच जो है ये चे की आवाज़ देता है, तो ये क्या बन गया, खन च। तो ये जो वर्ड बन गया कि ये जो है स्ट्रेट लाइन और उसके साथ ये छोटी सी जो है वो डाउनवर्ड जो लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं खन च। तो ये एक हमारा जो है वो कंपाउंड हो गया, कंपाउंड स्ट्रोक हो गया, खन च, ये छः स्ट्रोक हो गए, ठीक है। अगेन ये जो है खन है स्ट्रेट लाइन और उसके साथ ये छोटा सा जो है वो इस तरह का जो ये आ रहा है ये छोटा सा ये वाला, तो इसको हम जो है किसके साथ इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे खन गो। ये जो छोटा सा है ये मतलब ये खन हमारा हो गया और ये गो, ये खन और ये गो, खन ये गो, खन ये गो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये जो अगला कंपाउंड जो है वो स्ट्रोक है वो ये वाला फीए, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं फीए, और ये उसके साथ जो है वो उसके बेस के अंदर उसके जो है वो बॉटम में हम जो है वो उसके साथ लिंक कर देते हैं, तीन को लगा देते हैं, तो ये बन गया फीए तीन, फीए तीन, फीए तीन। तो ये हमारा जो है ये अगला कंपाउंड बन गया। अब हम एक और कंपाउंड जो है वो स्ट्रोक देखते हैं, वो है शू। ये शू जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और उसके साथ ये हमने पहले भी कहा कि जिसमें खन के साथ हमने इस तरह ये लगाया था, तो अब हम जो है वो शू के साथ भी इसको लगा देंगे, तो ये बन जाएगा शू गो, शू गो। तो ये हमारा जो है वो एक और कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्ट्रोक आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे हम जो है वो तीन जो है वो हमारे जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रेट है ये है हमारा शू, ये है शू, और ये वाला जो है, ये वाला जो है ये हमारा चिए, और ये अगेन जो है डाउनवर्ड ये भी हमारा जो है वो चिए यूज़ हो रहा है, और ये जो है ये जो लाइन है ये गो है। तो यहाँ पे हमारे तीन चार जो हैं, चार हमारे जो करेक्टर्स हैं वो जो है वो लिंक हो रहे हैं, तो ये बन गया शू चिए चिए गो, शू चिए चिए गो। तो ये हमारा जो है वो एक और कंपाउंड जो है वो हमारा स्ट्रोक बन गया। हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट जो हमारा जो वर्ड है जिससे जो है चाइनीज़ लैंग्वेज को हमने स्टार्ट किया था वो था नी हाओ, नी हाओ। तो उसमें हमने जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि नी को किस तरह हम जो है वो राइट करते हैं। तो हम नी को राइट करने के लिए देखते हैं कि उसमें सबसे पहले जो हमारा जो है वो ये फीए, फीए जो है वो स्ट्रोक हमने लिखा, और सेकंड स्टेप के अंदर हमने शू ऊपर से नीचे जो है वो ये शू करेक्टर आ गया। फिर अगेन जो है वो हमारा जो है ये फीए हो गया, ये शू होगा, फिर हमने फीए किया, फीए के बाद हमने खन और ये गो, खन गो, खन गो हमने लिखा, फिर उसके बाद शू गो, शू गो लिखा, और उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे हमने जो है वो ये फीए, और यहाँ पे सेकंड जो है हम हाओ देखते हैं। हाओ किस तरह लिखते हैं, नी हाओ के साथ जो है हाओ किस तरह लिखते हैं। हाओ के दो जो हैं वो पार्ट हैं, एक जो है ये और एक ये। जो हम पहले लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो तीन स्टेप से मुश्किल होता है, उस पर लिखा जाता है। सबसे पहले हम फीए, फीए तीन लिखते हैं, फीए तीन लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम जो है वो फीए लिखते हैं, और फिर उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम जो है वो थर्ड स्टेप के अंदर हम जो है वो खन लिखते हैं। तो इस तरह हमारा ये वाला जो है वो लेफ्ट वाला पार्ट लिखा जाता है। अब जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसके अंदर जो है वो हम जो है वो खन गो,
खन गो के साथ जो है वो हम शू गो लिखते हैं, और शू गो के बाद जो है वो हम यहाँ पे वो खन लिखते हैं। तो इस तरह हमारा जो तीन स्टेप्स के अंदर, तो तीन और तीन छः स्टेप्स के अंदर हमने जो है वो हाउ को भी लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये वर्ड हमने जो है वो आज लिखना सीखा, नी हाओ नी हाओ नी हाओ। तो हमने जो है ये हमारा वर्ड लिख लिया, और आज जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास जो है वो ई लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो चाइनीज़ करेक्टर जो है वो रेन लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो वू लिखा, फाइव लिखा हुआ है, और ये हमारे पास जो है वो तीन लिखा हुआ है। कुछ हमारे पास करेक्टर्स लिखे हुए हैं, और इसके आज जो है वो हम कोशिश करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो ये है कि इन करेक्टर्स को, और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि किस जो है वो सीक्वेंस के साथ किन किन स्ट्रोक्स पे जो है उनको सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे जो है ये जो खाली जगह है इस पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, और उसको जो है वो देखना है, और इसके बाद आप जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो करेक्टर्स जो हैं उसको लिखने के आप हम काबिल हो जाएंगे आज के जो है वो लेक्चर के बाद कर सकते हैं। और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से राइट करना लिख सकते हैं। जो चाइनीज़ है लैंग्वेज है वो इतनी को मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, सब कुछ जो है वो प्रैक्टिस से मुमकिन है। अगर हम जो है वो अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो है वो इसका इसकी अदायगी जो है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, और उसकी जो जो राइटिंग है ये जो उसको भी हम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जहाँ पे जो है वो आठ स्ट्रोक्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रोक्स कुछ यूज़ हो रहे होते हैं, जिनकी के जो है वो कम्बिनेशन से, जिनके जो है वो मिक्सचर से, जिनके जो है वो इकट्ठे करने से हम जो है वो कम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो चाइनीज़ करेक्टर्स होते हैं उनको भी लिखने के जो है वो काबिल हो जाते हैं।